बदलते इस दौर में आपने कई नए स्टार्टअप देखे और सुने होंगे, लेकिन जोधपुर में एक पिता और पुत्र ने एक अनूठा स्टार्टअप की शुरुआत की है जिसके नाम अंतिम सत्य। यहाँ आमतौर पर शादी या मांगलिक कार्यक्रमों में अपने कई इवेंट कंपनियों को अरेंजमेंट करते देखा होगा, लेकिन जोधपुर के इस पिता और पुत्र का अंतिम सत्य नाम का यह अनूठा स्टार्टअप किसी परिवार में होने वाली मृत्यु पर उन्हें विशेष पैकेज के आधार पर 15 से अधिक सुविधाएं मुहैया करा रहा है, जिसमें शोकाकुल परिवार के घर अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन तक का कार्य में कंपनी कर रही है। यहां तक कि रुदाली के लिए महिला और पुरुष भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। रुदाली का मतलब होता है किसी की अंतिम विदाई के वक्त शोक मनाने के लिए लोगों को जमा करना। इस अनूठे स्टार्टअप पर हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। स्टार्टअप तो आपने खूब देखे और सुने होंगे, लेकिन राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले जोधपुर में एक पिता पुत्र ने एक अनूठे स्टार्टअप को शुरू किया है, जिसमें किसी व्यक्ति के परिवार में मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन तक की व्यवस्था जो किराए पर जो है वो एक एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि उस परिवार में रोने के लिए महिला और पुरुष भी जो है वो शुल्क के आधार पर उनके परिवार में जा सकेंगे। हमारे साथ में है इस स्टार्टअप को शुरू करने वाले कोऑनर। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र पारिक है। ये जो हमने स्टार्टअप शुरू किया था, तो एक बार हम किसी परिचित के दाह संस्कार के अंदर गए थे। वो आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ थे, तो जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर आदमी तो काफ़ी जने थे, उनके हर चीज़ की सुविधा थी, लेकिन जब जो अर्थी बनाते हैं, अर्थी बनाने के लिए उन्होंने किसी को बोला, तो वहाँ पे सब एक दूसरे के मुंह देखने लग गए। वहाँ पर अर्थी बनाना किसी को नहीं आया, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपके ध्यान में कोई है ऐसा जो अर्थी बनाता है, या कोई हम स्टील की मंगवा ले। तो मैंने उनका, ये तो बहुत साधारण काम है और ये काम तो मैं कर लूँगा। तो बोला, आपने कहाँ से सीखा? मैंने कहा, हम तो शुरू से हमारे पिताजी के साथ में जाते थे, तो उस वक्त हमने ये सारी जानकारी ले रखी है। तो मैंने वो अर्थी का सारा कार्य था वो मैंने अपने हाथों से पूरा किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आज के युग के अंदर शादी ब्याह में इवेंट वाले खूब मिल जाते हैं, लेकिन एक इवेंट ऐसा भी होना चाहिए कि जो ऐसे कार्यों के अंदर भी किसी के साथ में खड़ा रहे, चाहे वो अपनी लागत मूल्य से पैसे लेते हैं, लेकिन किसी का कार्य पूरा हो जाता है और विधि विधान से होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने हमको प्रेरित किया, और प्रेरित होकर हमको भी पूरी जानकारी नहीं थी, तो हमने भी काफ़ी जानकारी इधर उधर से इकट्ठा करना शुरू की। उसके पश्चात हम पहुंचे थे मगरा पूंजला में, एक रहते हैं सोनलाल जी गोयल करके, जो आज तक 25,000 दाह संस्कार में भाग ले चुके हैं और वो सारा कार्य अपने हाथ से विधिपूर्वक करवाते हैं। उनकी उम्र भी 84 वर्ष हो गई है, लेकिन आज भी उनका एक जुनून है। सुबह 4 बजे उठ के वो इस कार्य में लग जाते हैं और पूरे दिन किसी का भी हो वो सबके साथ में दाह संस्कार में जाते हैं। हम जब उनके साथ में उनके घर पर गए, तो हमने उनको अपना प्रोजेक्ट बताया कि साहब, हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं और हमको पूरी जानकारी चाहिए, बगैर जानकारी के हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला, मेरी कुछ शर्तें हैं। तो हमने भी पूछा, भाई आपकी जो भी शर्त है, हम आपको संरक्षक बनाना चाहते हैं कंपनी में। तो उन्होंने कहा, संरक्षक मैं तब बनूंगा कि यदि आप निशक जनों की और लावारिस लाशें जो भी आती है, तो उनकी गति बहुत ख़राब होती है, तो अगर आप उनका जो भी है एक पैसा भी नहीं लेंगे और अपनी तरफ से पूरा विधि विधान से अगर आप दाह संस्कार करेंगे और उसका अस्थि विसर्जन करेंगे, तो मैं आपके हर काम में आपके लिए साथ हूँ। तो हमने उनकी हाँ में हाँ भरी और हमने भी अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को हम बचाने के लिए इस कदम में आगे आए हैं। तो हमने कई बार देखा है कि लोगों को ज्ञान बहुत कम है इन चीज़ों के लिए, तो हमने एक टीम तैयार की। उस टीम के द्वारा हमने 13 पंडित इकट्ठे किए। 13 पंडित भी ऐसे विद्वान पंडित जिनको पूरा सनातन धर्म की पूर्ण जानकारी है और वैदिक रीति के हिसाब से ये कार्य कराते हैं। जो हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो श्रीमाली समाज है, श्रीमाली समाज के जो भी पंडित है, वो ये काम बहुत बेखूबी से निभाते हैं। हमने उनसे मिलकर ये 13 पंडितों की टीम तैयार की। तत्पश्चात हमने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। काफ़ी दिन तक हमने इधर उधर सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने प्रचार किया, लेकिन हमारा प्रचार थोड़ा कमज़ोर था। तो फिर हमने इसकी वेबसाइट बनाई। तो मेरा जो बच्चा है, जो इस कंपनी में फाउंडर है, तो वो खुद वेबसाइट डिज़ाइनर है। उसने अपने हिसाब से
इसकी पूरी वेबसाइट तैयार की, डिज़ाइन की। हमने 2 फरवरी को इसकी वेबसाइट की लॉन्चिंग की। उस लॉन्चिंग के अंदर हमने काफ़ी जनों को बुलाया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम तैयार की। टीम के द्वारा हमारी वेबसाइट में जो भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, वो उन्होंने हमारी सेवाएं देखी, और आज 2 महीने करीबन हो गए हैं हमारे इसको, और उसमें हम 6 जनों का दाह संस्कार हमने आज तक किया है, और आगे हमारे पास इसके काफ़ी ऑर्डर आते जा रहे हैं। तो आपने सर जो ये नया स्टार्टअप जो है अंतिम सत्य नाम से शुरू किया है, इसमें आपने पैकेज भी रखे हैं कुछ, जिसमें जो प्रख्यात सनातन धर्म से जुड़े पंडित हैं वो भी जो है इसमें पूरे कर्मकांड करवाते हैं जो भी होता है। तो सर इसमें पैकेज में आप क्या क्या देते हैं सुविधाएं? सर इसमें पैकेज के अगर आप हमारा काम इसमें पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा ये है, क्योंकि मेरा खुद का व्यापार है और मैं पैसे कमाने के उद्देश्य से मैंने ये कंपनी नहीं खोली है। मेरा मुख्य उद्देश्य जो है लोगों की सनातन धर्म के हिसाब से इसका पूरा कार्य विधि पूर्वक पूरा करें, क्योंकि अभी जो काम चल रहे हैं तो वो सारे नकारात्मक काम हो रहे हैं। नकारात्मक कार्यों को देखते हुए सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो पितृदोष की आ रही है। तो पितृदोष को दूर करने के लिए हमारे पंडितों ने हमको सुझाव दिया, जो नारायण बलि होती है वो इसमें मुख्य भाग है। तो हमने जो भी हमारे पास आते हैं ग्राहक आते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि हमारी ये सेवाएं हैं। तो उन्होंने बोला हमारे वैदिक रीति के हिसाब से हमारे कभी कोई दिक्कत नहीं आवे, सारा काम आपको करना है। तो हमारा सबसे जो पहला मुख्य उद्देश्य है वो हम पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी की मौत होती है तो वहाँ से एम्बुलेंस मुहैया कराते हैं उनको, और जो हमारे संस्कारों में है कि सूर्यास्त के पश्चात हम यहाँ पर दाह संस्कार नहीं करते, तो रात को जब उस मृत शरीर को रखना पड़ता है उसके लिए हम फ्रीजर भी सुविधा देते हैं। तो आज हमारे पास फ्रीजर है, कई जने हमसे फ्रीजर ही लेके जाते हैं रात को रखने के लिए, और सुबह हमारे पंडित जी वहाँ पर जाते हैं, अर्थी सजाते हैं, और जो मृत शरीर है उसको मंत्रोच्चारण के साथ में उसको नहलाना धुलाना पूरा तैयार करके गोबर लीप के जमीन के ऊपर और उनको वापस सुलाते हैं। उसके पश्चात उनकी अर्थी तैयार की जाती है, और मंत्रोच्चारण के साथ ही वहाँ पर शववान आता है। शववान के हम उनको स्वर्गाश्रम लेके जाते हैं, और स्वर्गाश्रम में आपको सबसे बड़ी बात ये जानकर खुशी होगी कि जो लकड़ियाँ लोग काम में लेते हैं वहाँ पर, वो 8 से 9 मन की लकड़ी काम लेते हैं, और हमारे जो पंडित जी जाते हैं तो वो उसमें 4.5 से 5 मन लकड़ियों के अंदर वो पूरा काम करवाते हैं उसमें। जी बिल्कुल। जो सर आपका ये जो स्टार्टअप है अंतिम सत्य, इसकी कितनी ब्रांचें हैं, या आगे भी इसको लेकर कहीं और भी इसको शुरुआत करेंगे आप? हमारी इसकी अभी तक कोई ब्रांच नहीं है, और हमारा होली के बाद में जयपुर और उदयपुर में हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा केवल जोधपुर में है, और राजस्थान में हमारी ये पहली कंपनी है जो इस तरह का काम कर रही है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जोधपुर के अंदर जो ये अनूठा स्टार्टअप है अंतिम सत्य, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इनका कार्यालय है जहां अंतिम सत्य का जो है ये फ्लैक्स भी लगा हुआ है, और लोग जो है वेबसाइट के जरिए भी जो है यहां बुकिंग करते हैं, और जहां कहीं कोई मृत्यु होती है जिस परिवार जो शोकाकुल परिवार होता है वहां पर जो अंतिम संस्कार से लेकर और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन तक की सारे जो कार्य हैं वो किराए पर ये जो स्टार्टअप है इसके द्वारा ये एनजीओ करता है, और इसके अलावा जो परिवार में रोने धोने के लिए जो महिलाएं और पुरुष हैं उसकी व्यवस्था भी ये करते हैं। हालांकि इनकी अभी और स्टार्टअप के जरिए जो उदयपुर और जयपुर के अंदर भी अपना एक नया केंद्र भी खोल रहे हैं, जहां देखने वाली बात है कि ये स्टार्टअप आज के इस दौर में कितना सफल हो पाता है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।